चढ़ जाओ सारे सारे थोड़ा महाराजा हरि सिंह अमर है महाराजा हरि सिंह अमर है महाराजा हरि सिंह अमर है तो फाइनली अभी रैली जो स्टार्ट हुई है महाराजा हरि सिंह जी के लिए, अभी उसके लिए निकल रहे हैं हम सारे। तो अभी गाड़ियां सारी निकलेंगी, तो आपको आगे रास्ते में बताता जाता हूँ, सारे अपडेट देता जाता हूँ। तो आज है महाराजा हरि सिंह जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज उनके लिए और 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए, उसके लिए ये रिक्वेस्ट है सबको। तो आप मिलते हैं आगे। तो आज है महाराजा हरि सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 सितंबर को। तो ये जो जितनी भी आपको रैली मैंने स्टार्टिंग में दिखाई, ये सिर्फ इसलिए है कि 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जम्मू इनके नाम का था, जम्मू में जो कुछ भी हुआ वो इनकी वजह से हुआ, और जम्मू में इनके नाम पे छुट्टी नहीं है, ये सबसे गलत चीज़ है। तो ये इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है, तो यही रिक्वेस्ट के आधार पे हम लोग अभी जाएंगे तभी में, जहाँ पे महाराजा हरि सिंह की जो स्टोन वाली मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे जाके हमारी ये रैली एंड होगी। इशू ये है कि परमिशन ली हुई है पर तब भी पीछे भी तो हमारे साथ खड़ा था, वो कौन थे? वो भी ऐसा था जो टीम जब एसपी जा रहे हैं मेरा, ये क्या यार, क्या बंदे हैं। ऑफिसर बिना परमिशन के तो किसी को नहीं जाने देंगे इस टाइम पे।
तालाब से स्टार्ट हुई थी जो हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे। हम लोग चाहते हैं कि 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारी रैली है वो अभी डोगरा चौक है, जो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो अभी ये यहाँ का नज़ारा है, जो सारे पहुँच चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा हो सारी कार साइड पे लगी हुई हैं। तो इसके बाद हम लोग जाके अभी जो उनका स्नान वगैरह होगा, जो उनको हार वगैरह पहनाए जाएंगे हरि सिंह जी को। तो आज जो हरि सिंह जी के जन्मदिवस में हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू के सारे लोगों को इकट्ठे होके यहाँ पे 23 सितंबर को छुट्टी के लिए बोलना चाहिए। तो अभी हम आपको मिलेंगे वहाँ। मान सम्मान की गल है, इन्ना भी तंग नहीं किया जा डोगरा समाज की कि हाँ किशु ने और कुछ करना पड़ा। और बड़े बड़े मुबारक है पूरे जम्मू कश्मीर वास। वो भी तो हमारे तरफ से ही देखा जाता है, युवा राजपूत सभा की तरफ। चार दिन पहले हमने सफाई की इसको, आप देखें, आप मीडिया के सभी लोग आए हैं, देखें रेलिंग की हालत, इस पे पेड़ उगे थे, ये हालत है। कौन सी गवर्नमेंट आएगा, कहाँ है कॉर्पोरेशन का काम है, आज क्रेन लगनी चाहिए, कहाँ है क्रेन, टाइल टूटी, देखिए आप दिखाएं, आप पेड़ लगे थे पर खुद लोगों को धोना पड़ रहा है। इसलिए महाराज साहब ने सक्षम किया था, महाराजा की मूर्ति ऊपर टाइल, लोगों का क्या होगा, ये हालत है। हमने 20 किलो गंदगी उठाई हुई है, कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा फर्ज है। लोग जो है वो भावुक हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि 23 सितंबर को महाराजा श्री हरि सिंह जी का जन्मदिन होता है। और हम सब जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो छुट्टी दे देंगे, लेकिन चुनाव खत्म छुट्टी नहीं देंगे। चुनाव आते हैं तो छुट्टी आ जाती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी नेता हो, छुट्टी देंगे, आप हमें जिताइए छुट्टी देंगे, चुनाव खत्म, छुट्टी का कोई जिक्र ही नहीं करता। क्या जम्मू कश्मीर के ये नेता और खासकर जम्मू खत्ते के ये नेता बेवकूफ बना रहे हैं जम्मू के लोगों को? सही लगता है, सही लग रहा है। जब इलेक्शन का दौर आता है और देखें क्या बोलते हैं, महाराज साहब ने जो मान सम्मान किया हिंदुस्तानी को, मगर जब उनके मान सम्मान की बात आती है, देखें आप जहाँ तक देखिए कि जहाँ उनका स्थल पर मूर्ति लगाई गई है उसकी हालत देखें, बाकी तो दूर की बात है, छुट्टी देना तो नहीं देना। हम कल ही परसों जब हम जहाँ आए मीडिया के, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला कोई छुट्टी मांगता ही नहीं, अंधी बहरी हो गई है सरकार। हर साल 23 सितंबर उसके बिना हर दो महीने में एक कोटा किया जाता है, इसको दिखाई नहीं देता। क्यों, सत्ता का नशा चढ़ गया है इन लोगों के, कुछ सरकारों को पीछे भी चला था, उनका निकल गया, इनका भी निकल जाए, महाराजा मान के मान सम्मान किसी और टकराएगा तो चकना चूर हो जाए। मतलब ये राजनेता बेवकूफ समझ रहे हैं क्या जनता को, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अगर पाँच साल इन्होंने आपको गद्दी पर बैठाया है, 5 साल के बाद फिर से कमान जनता के हाथ में है, अगर गद्दी मिल सकती है तो गद्दी छीन भी सकती है, बिल्कुल छीन सकती है, छीनेगी इस बार। जो महाराज साहब के साथ जिन्होंने धोखा किया उनकी गद्दी छीनेगी। ये गलत फहमी में है ये लोग, इनको गलत फहमी है कि एक बंदे के नाम पे वोट ले लेंगे, मगर महाराजा का मान सम्मान उस आदमी से भी ज़्यादा बड़ा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे इनको भुगतना पड़ेगा। मैं एलजी साहब से भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 23 सितंबर की छुट्टी को जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, नहीं तो जम्मू का डोगरा समाज, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जहाँ हर समाज के लोग आए, हिंदुओं में राजपूत कम्युनिटी के लोग आए ही आए हैं,
हर ब्राह्मण समाज से, महाजन समाज से, एससी समाज, मुस्लिम समाज से लोग कोंडकोट से जय डोगर। राजा राजपूतों के राजा नहीं थे, जाति से राजपूत थे, मगर उनका कहना था मेरा एक ही बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने ऐसी रियासत में शासन किया जहाँ पर ज्यादा आबादी मुस्लिम और मुस्लिम खुश थे। और ऐसे महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी को लेकर आप बेवकूफ बना रहे हैं जनता को कि मार कर देंगे छुट्टी, फिर नहीं ये पार्टी नहीं मान रही है, वो पार्टी नहीं मान रही है, मंशा नहीं लगती है। जब बीजेपी सत्ता में रही तो हमारे ही एक बड़े भाई चौधरी लाल सिंह जी, हमारे जब फाउंडेशन बनाई हमने जो 2014 में वो आए, उन्होंने बोला हम सत्ता में आएंगे, अगर हम जीत गया हम सत्ता में आएंगे, हम छुट्टी करेंगे। सत्ता में आए, MLA बन के जीते, मंत्री भी बने, मगर उनसे ये नहीं कहा गया कि जो महाराजा नाम, क्योंकि अपर हाउस में जो आपको पता है अपर हाउस में पास हुआ, म्यूनसिपलिटी में हमारे शर्मा भाई जी ने उसको कॉर्पोरेटर जी ने लाया, उनको डांट पड़ी बहुत ज़्यादा कि आपने क्यों लाया इसको म्यूनसिपलिटी में, ये हालत है। मगर जब उन एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी बात है कि अगर कैबिनेट मंत्री कोई भी बोल देता कि छुट्टी होनी चाहिए, हमारे अगर राजपूतों की बात करें बोल समझ लेते हैं कि राजपूत ही उनसे भी बोला नहीं है, पता नहीं समझ नहीं आती जब इनको वोट लेना हो तो आप PMO में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जम्मू का जो यूथ है ये ज़्यादा यूथ एक्टिव नहीं है, पर आपको जितना यूथ एक्टिव है मैं उनकी बातें सुना देता हूँ आपको कि ये जो जम्मू की फाउंडेशन है ना, ये जम्मू के साथ जो इंडिया को मिलाया हुआ है, ये जम्मू की फाउंडेशन ही महाराजा हरि सिंह जी ने रखी थी। तो जो हरि सिंह जी के नाम पर कोई छुट्टी नहीं दे रहे हैं ये कितनी बार कितने साल हो गए ये सब ये राज, क्योंकि ये तो एक ज़रिया है जिनकी वजह से यहाँ पे ये बार बार आते हैं और बार बार बोलते हैं कि हम लोगों को छुट्टी मिलनी चाहिए, पर इन्होंने अभी तक छुट्टी नहीं दी है। ये सबसे गलत चीज़ है डोगरा समाज में होके भी, ये एक दो जो यहाँ के राजा थे जिनका जम्मू कश्मीर जिनका था उनके नाम पे छुट्टी नहीं है, और कोई भी होता है सबके नाम पे छुट्टी ये दे रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। और ये जो इनकी मूर्ति है ये भी 3 दिन पहले जो ये समाज है जो ये सभा है इन्होंने ही खुद साफ़ की हुई है, इससे पहले किसी ने कोई साफ़ नहीं की थी। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है जो हमारे यहाँ पे हो रही है, तो जम्मू में ये चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे जैसा यूथ है उसको आके थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा नहीं कि हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे ये छुट्टी मिले, क्योंकि इतनी गर्मी में ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हरि सिंह जी के नाम पर छुट्टी मिले, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए और ये डिज़र्व करते हैं हम लोग। फोटो लगाते हैं उनको मान सम्मान देते हैं, जब ये सत्ता में नहीं होते हैं बोलते हैं महाराज साहब की जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए, जब ये सत्ता में रहे तो कुछ आपके चैनलों ने मुझे पूछा कि बोलते हैं कोई छुट्टी मांगता नहीं है महाराज साहब, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं सरकार चुनी हुई सरकार है किसकी चुनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, उनकी बातों को नहीं रखा जाता। मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से IG साहब को और जो ये नुमाइंदे आज तो BJP की सरकारी बोली जाएगी क्योंकि IG साहब ही तो मंत्री रहे सेंटर में, उन्हीं के रिलेटिव लोग तो आए, अच्छा लगा कि पॉलिटिकल आदमी बात को समझता है, नॉन पॉलिटिकल बात आदमी नहीं समझ सकता जो लोग आए 20 सालों के बाद महाराजा हरि सिंह जी रघुनाथ मंदिर जो उन्होंने शुरू करवाई तो क्या उम्मीदें लगती हैं आपको कि हो सकता है कि छुट्टी बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिटिकल आदमी हर बात को समझे, अगर समझ में आता है चाहे दिल्ली उसको ओके करे कि वो दिल्ली से है, दिल्ली कमांड करेगी वो वैसे ही करेंगे। हाँ आपने बोला कश्मीर में एक मंदिर को बहुत मुबारक, जम्मू कश्मीर के लोगों को LG साहब का शुक्रिया करना चाहिए 30 साल के बाद के, और हम भी उम्मीद करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग कि 23 सितंबर की छुट्टी को जल्दी से जल्दी मौत किया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना के साथ। देखो हम जितने भी परिवार, आप भी अपने परिवार से हैं, सब लोग जितने भी परिवार हम अपने जब फार्म भरा जाता है उसमें लिखते हैं मेरा नाम सुरेंद्र सिंह,
उसके पीछे मेरे पिताजी का नाम श्री लेफ सिंह है ना। जब लिखना है तो सुखदेव जी भी लिखना, तो प्राप्ति चाहिए हम सबको। आज जो वो बैठे हैं बाहर महाराजा करण सिंह जी, उनके सपुत्र, आप देखें वो अलग अलग सियासी पार्टियों से पावर में रहे, पीडीपी भी पावर में रही, बीजेपी भी पावर में रही, कांग्रेस भी पावर, तीनों पावर में रहे, महाराजा साहब का नाम नहीं लिया। 2014 से युवा राजपूत सभा ने डोगरा समाज से मिलकर एक बीड़ा उठाया, तो कोशिश की। आज आज क्या लोग बातें करते हैं, हमें खुशी होती है जो हमने किया वो डिलीवर हुआ लोगों ने। हम इनको इस परिवार को यही कहना चाहेंगे, आपका बहुत मान सम्मान है। मैंने बोला भी एक बार घर जाके जब पीडीपी से उन्होंने इस्तीफा दिया, हमने बोला आप इसको अकाल तख्त बना सकते हैं अपना डोगरा समाज के लिए, कि आप आपके परिवार का इतना मान सम्मान है जम्मू कश्मीर, कि आपके पूर्वजों ने बड़ा कुछ दिया जम्मू कश्मीर को, आप आगे निकलिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब दौलत बेशुमार है, पता नहीं किस बीमारी में है, अफसोस होता है। आज उनका जन्मदिन है, वो परिवार नहीं है, वो होना चाहिए हमारे साथ, वो हमारे आगे होना चाहिए। हम नहीं बोलते हम पीछे हो, हमारे पीछे हो, वो हमारे आगे होना चाहिए था, मगर कमी खलती है उनकी। लोग पूछते हैं सवाल, जैसे आपने आज अच्छा सवाल, तो मेरी यही गुजारिश है हाथ जोड़ती हूँ कि उनको बढ़ चढ़ के इसके कोई ना कोई बयान देना। Thank you.